Good morning. Myself is Shaista Jabin from Jamshedpur Workers College of BCA department. Welcome to my online classes in which I'm going to discuss on control statement of C language. There are basically two types of control statement. One is decision making statement, another one is loop control statement. जब सी का हम लोग बेसिक प्रोग्राम बनाते थे तो बेसिक प्रोग्राम में क्या होता था, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता था, वन बाय वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता था, मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो था वो सिक्वेंशियल था. अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करेंगे कि वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगा, किसी कंडीशन पर बेस्ड. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली दैट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. फॉर एग्जाम्पल हम लोग आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में. दो तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट है, वन इज डिसीजन मेकिंग, अनदर वन इज लूप कंट्रोल. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच केस स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं, पहले क्या हो रहा था कि फ्लो ऑफ कंप्यूटर एग्जीक्यूशन सिक्वेंशियल आ रहा था, है ना, तो पहला ब्रेक हम लोग लगाते हैं. अगर कोई स्टेटमेंट प्रोग्राम में कोई कंडीशन ट्रू होता है तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. फिर नेक्स्ट जो आया इफ एल्स, उसमें क्या है कि दोनों सिनेरियो को हैंडल करेंगे, इफ को भी मतलब ट्रू पार्ट को भी फॉल्स पार्ट को भी. इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू तो एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. हम लोग दो पढ़े अभी तक, वन इज इफ स्टेटमेंट, अनदर वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट कैसे सिनेरियो को हैंडल करता है, सिर्फ ट्रू पार्ट, इफ एल्स बोथ सिनेरियो को, ट्रू पार्ट एज वेल एज फॉल्स पार्ट. बट दोनों चीज में आप ये देखिएगा कि कंडीशन सिर्फ एक ही होता है ना. एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, कंडीशन ट्रू भी हो रहा है तो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, और फॉल्स भी. नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है. इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज क्यों कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे नंबर्स ऑफ बहुत सारा सीनेरियो ऐसा रहता है कि जहाँ पे हमारे कंडीशंस अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है ना, तो अगर 75% से ज्यादा आता है स्टूडेंट को तो क्या डिस्प्ले होता है, डिस्टिंक्शन. 75% से ज्यादा आता है, 60 से ज्यादा आता है, 75% से कम होता है तो डिस्प्ले होता है फर्स्ट डिवीजन, है ना. इसी तरह 45 से अबव, 60 से बिलो होता है तो आता है सेकंड डिवीजन, 30 से अबव, 60 से बिलो थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल, है ना. तो ये हमारा कट ऑफ बना हुआ है. तो अगर इस तरह का इसको हम प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट कराना चाहें तो हमारे पास अलग अलग तीन चार कंडीशन हो जाते हैं, है ना. तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ एल्स इफ. ठीक है, इसको हम प्रोग्राम बना के अभी आप लोगों को दिखाते हैं. नेक्स्ट स्विच केस स्टेटमेंट. स्विच केस स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं जहां हमारे पास नंबर्स ऑफ सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज दिया रहता है, या कोई किसी एक्सप्रेशन पे हम कुछ वैल्यूज को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोग्राम एक देते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए कैरेक्टर एंड चेक इट इज वोवेल और कॉन्सोनेंट, है ना. कैसे चेक करेंगे इसको, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, यूजिंग स्विच केस. इस प्रोग्राम को हम इफ एल्स के थ्रू भी बना सकते हैं, इफ एल्स इफ के थ्रू भी बना सकते हैं और स्विच केस के थ्रू भी बना सकते हैं. ठीक है, तो स्विच केस के थ्रू हम इसको कैसे बना सकते हैं, एक ही एग्जाम्पल. जब हम स्विच केस के थ्रू बनाएंगे हम आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं और दिखाते हैं.